हाँ जी वेलकम करते हैं तुहाडा सारयां दा तुहाडे अपने चैनल स्टडी एंड कैरियर दे उत्ते। सो लैके आया जी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी स्पेशली स्टाफ नर्स अते पैरामेडिकल स्टाफ वाले बच्चों लई। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वालों जिहड़ियां नवीं पोस्टां कढ़ियां गईयां ने उन्हां दी किन्नी गिनती आ, कीदियां किन्नियां पोस्टां ने अते किन्नी सैलरी रहण वाली आ, किहड़े किहड़े कैंडीडेट अप्लाई कर सकदे आ, डिटेल दे विच इनफॉर्मेशन दित्ती जाऊगी। सो वीडियो नूं मिस नहीं करना होवेगा अते एंड तक जरूर देखनी होवेगी। सो जिवें कि तुसीं देख सकदे हो इस टाइम आपां नोटिफिकेशन दे उपर ही हाँ। सो ये नोटिफिकेशन आ जिहड़ा डॉक्टर बी आर अंबेदकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस सोसाइटी साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली उत्थे भर्ती होनी है, ठीक है जी। सो कल्ली गल तुहानू दसी जाऊगी कि किद्दां अप्लाई करना वा, वह भी दसिया जाऊगा। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। उस तो पहला रिक्वेस्ट आ जिहड़े स्टूडेंट भैन भरा पहली बार आए हो चैनल ते, उह चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर दब लियो ताकि कोई भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुसीं मिस ना करो। सो नंबर एक ते आपां तुसीं देख सकते हो जी, नंबर एक ते जिहड़ियां पोस्टां एनस्थिया टैक्नीशियन दियां इन्हां दी 25,500 सैलरी रहण वाली है, एक पोस्ट है, ठीक है जी। सो क्वालिफिकेशन प्लस टू, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, सर्टिफिकेट ऑफ एनस्थिया ट्रेनिंग एंड वन ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। सो दो नंबर ते पोस्ट है जी असिस्टेंट लाइब्रेरियन दी, एक पोस्ट है जी जनरल पोस्ट आ, सैलरी 25,500 रहूगी। सो ये शुड पोसेस अ डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। सो तीन नंबर ते कैशियर दी पोस्ट है जी एक, सो इन्हां दी सैलरी 19,900 रहूगी, ठीक है जी। सो कैशियर लई जिहड़ी क्वालिफिकेशन आ वो तुसीं देख सकते हो कि बैचलर्स डिग्री ते नाल कंप्यूटर दा कोर्स, ठीक है जी, ISO सर्टिफिकेट तो होना चाहिए है, ठीक है जी। सो नंबर चार ते क्लर्क प्लस कैशियर दियां 12 पोस्टां ने, ठीक है। इन्हां दी डिटेल आ जिहड़ी वो नीचे दित्ती हुई है कि किहड़ी कैटागरी दियां किहड़ियां पोस्टां ने, ठीक है जी। सैलरी 19,900 रहेगी ते बाकी तुसीं देख सकते हो कि इहदे लई बैचलर्स डिग्री ते कंप्यूटर दा कोर्स लाजमी आ, ठीक है जी, ISO सर्टिफाइड कंप्यूटर दा कोर्स कीता होना चाहीदा वा। सो नंबर पांच ते, ठीक है जी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है जी, ये एक पोस्ट आ जनरल पोस्ट आ, है शुड पास डिग्री ऑफ मास्टर इन साइकोलॉजी, ठीक है जी। तो इस तो बाद डेंटल मैकेनिक दियां दो पोस्टां ने, ठीक है जी। तो उस तो बाद डायलिसिस दियां दो पोस्टां ने ते सैलरी तुसीं देख सकते हो। बाकी ये PDF आ जिहड़ी तुसीं अपने टैलीग्राम चैनल तो भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी स्टाफ नर्स दियां भी दस दें आपां तुहानूं किन्नियां पोस्टां, डायलिसिस टैक्नीशियंस ECG टैक्नीशियंस दियां दो पोस्टां ने, ठीक है जी, डायलिसिस टैक्नीशियंस दी एक पोस्ट आ। सो जे मैं कल्ली दसण लग गया तां वीडियो लंबी हो जाणी आ, सो इस करके तुसीं ये PDF आ जिहड़ी अपने टैलीग्राम चैनल तो डाउनलोड कर लियो या बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वैबसाइट तो भी डाउनलोड कर सकते हो। सो पोस्टा किहड़ियां किहड़ियां, ECG टैक्नीशियन सैलरी 21,700, EEG टैक्नीशियन की एक पोस्ट आ, ठीक है जी। तो हैल्थ विजिटल दियाँ दो पोस्टा ने 29,200, होस्टल वार्डन दियाँ तीन पोस्टा ने 19,900 रुपए सैलरी आ। सो आपदी जिहड़े भी कैंडीडेट को जिहड़ा भी स्टडी आ, वो आपदी पोस्ट जरूर नोट कर लियो। लैब अटेंडेंट दियाँ पोस्टा ने, ठीक है जी, 18 पोस्टा, ठीक है जी, लैब अटेंडेंट दियाँ इन्हां दी गिनती वध आ 18 पोस्टा ने, ठीक है जी। तो मैडिकल लैब टैक्नीशियनस दियाँ भी 16 पोस्टा ने, ठीक है जी। सो इन्हां दी सैलरी भी 19,000-21,000 रहने वाली है। इस तो नीचे जो आप आवेंगे तो मीडिया मेकर की एक पोस्ट आ, ठीक है जी। तो मीडिया मेकर तो बाद तुसी देख सकते हो मेडिकल साइकैट्रिक सोशल वर्कर दियाँ 6 पोस्टा ने, ठीक है जी। तो उस तो बाद ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट की एक पोस्ट आ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट दियाँ 13 पोस्टा ने, ठीक है जी। बाकी इन्हां लई जिहड़ी क्वालिफिकेशन आ वह तुसीं PDF यह डाउनलोड कर लियो, उत्थों रीड कर सकते हो। ऑप्टोमेरिटिस दियाँ दो पोस्टा ने, ठीक है जी। उस तो बाद साइक्रोथेरेपिस्ट यदि एक पोस्ट आ, ठीक है जी। रेडियोग्राफर दियाँ 6 पोस्टा ने, ठीक है जी। सैलरी लगभग सारिया की 20,000 प्लस ही आ। इस तो बाद सब तो इंपोर्टेंट जिहड़ियां पोस्ट स्टाफ नर्स दियाँ पोस्टा, ठीक है जी। सो तुसीं देख सकते हो इन्हां दी सैलरी 29,242 पोस्टा ने, जिहदे विच 16 जनरल आ, 3 EWS आ। इहदे लई क्वालिफिकेशन तुसीं देख ही सकते हो जी, शुड हैव पास सीनियर सैकेंडरी, ठीक है जी। उहदे नाल नाल GNM अते जिहड़े BSC नर्सिंग वाले कैंडीडेट आ, सॉरी, हाँ जी,
ਜਿਹੜੇ GNM ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਇਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀਆਂ 42 ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ 13 ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ 16 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।